बाहर निकल गया हूं मैं, क्या करूं आदत से जो मजबूर हूं। लोग कहते हैं आवारा हूं मैं, पर दोस्त कहते हैं जीना इसी का नाम है। भाई चले यासिर भाई, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गुज्जू, लोकेशन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, समझ जाना। गुज्जू पंपिंग स्टेशन जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उन्होंने कहा, हम करेंगे मैग्नेट फिशिंग आज। मैग्नेट फिशिंग तो बेसिकली ट्रेजर हंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें पानी के नीचे कुछ मिलता है नहीं मिलता है। आपको सारी तफसील प्रैक्टिकल करके अपने इक्विपमेंट के साथ दिखाते हैं कि वो है क्या। और हमारे साथ बैठे हुए हैं ये खलील भाई, इनके ड्रामे देखे होंगे आपने बहुत सारे, मतलब ड्रामे करते हैं बहुत। और ये रमीज हो गया, ठीक हो गया भाई, निकल रहे हैं यहाँ से। एक घंटा लगेगा जौहर से गुज्जू पहुँचने में, अगर बहुत जल्दी पहुँच गया ठीक है, बाकी लोकेशन पे पहुँच के करते हैं जो भी कहानी है। लेट्स मूव भाई, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। बोलना भी है ना, इन्होंने कार के अंदर गहमा गहमी मचाई हुई है, पता नहीं क्या मसले मसाइल इन लोगों के यार। भाई सुकून से क्यों नहीं बैठ रहे तुम लोग रोजे में? ये जो हमारा आवारा किस्म का ड्रोन है ना, ये उतार के लाते यार, आपको कार के ऊपर ही उतारना है यार। क्या ये झूमते सावन की तरह खलील भाई इधर उधर जा रहा है, क्या बात है यार। ये लो भैया, ये ले लो, मुन्ना ले लो अपना। मुन्ना ही तो है, इसका नाम क्या है, मिनी नाम है ना इसका। हाँ, डीजे है मिनी, डीजे का मुन्ना। यार तफरी में लगे हुए, चलो भाई चलो 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 भाई, आज अफ्तारी हो जाएगी, ऐसी वैसी होगी। गुज्जू की मेन मार्केट है, कुछ अफ्तारी का सामान लेते हैं यहाँ से। हाँ क्या कह रहे थे आप? मैजिक बैग है जो आप लेके आए हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से तो पिकनिक के लिए ऑसम किस्म की चीज है, हेवीली इंसुलेटेड है। अब इसके अंदर हम चीजें लोड करते हैं, अभी तो फिलहाल रोजे के लिए हमने, ठंडा रहेगा पानी, आप बताएं, आप डाले डाले। अच्छा सबसे पहले आप इसको इफ्तारी पे जब निकालेंगे ना फिर आप बताइएगा, पता चलेगा। दो घंटे, अब देखना ये कि दो घंटे तक ये कितना ठंडे रहते हैं। अरे आप डालें तो काफी मुनासिब है, कुछ नहीं लिया। वो क्या प्लेट्स का? प्लेट्स भाई, ये पिकनिक बैग है स्पेशल। आपने पानी ले ही, प्लेट्स है, खाने का कुछ है नहीं, लेंगे ना आगे से। आगे से लेते हैं यार, अफ्तारी लेते हैं। गुड शो, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बॉडी स्प्रे भी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। गोलियां भी तो लगा सकते हैं वो जगह तो। हाँ ये कारतूस के लिए, जब आप शिकार पे गए तो इधर कारतूस आपके लग सकते हैं आराम से। और ये बैग पैक है कोई 25, इसमें जो है ना पॉकेट्स हैं, पता नहीं क्या क्या रखने के लिए, मुझे खुद भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा। और ये हमें भिजवाया है बैग किसने भाई? ब्रांड दुकान वालों ने, उन्होंने कहा ये जो आपकी खिदमत है ना पूरे पाकिस्तान में घूमने के लिए जो खिदमत है, उसके तवस्सुत से उन्होंने हमें ये भेजा है। अभी हाइजीन से भरपूर सामान मिल रहा है यासिर भाई। नहीं खाया तो मजा ही क्या, ये नहीं खाया तो मजा। यासिर भाई ये मरवा देगा हम लोगों को, बता रहा हूँ मैं। चार रोल ले लो, थोड़े से पकौड़े ले लो। मसाला नहीं होता कोई? मसाला वसाला नहीं होता? डाले 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 मसाला भाई, ये डाले, ये बहुत गर्म है। अब ये आप बताएं वो ठंडे पे गर्म रखेंगे क्या करेंगे? नहीं नहीं इसको मैं करता हूँ इसका, ये करते हैं ना इसमें, ये हम डालते हैं सेपरेट। ओए होए होए यार, ये भाई ये दस्तरखान है, आपको पता है इसका डिस्पोजेबल, इस बैग के साथ है। हमने कोल्ड ड्रिंक्स को नीचे रख दिया ताकि कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी रहे, और अब हम जो ये पकौड़े और ये समोसे और जो रोल्स हैं ये हम डाल लें ऊपर ताकि ये गर्म। चले भाई अब जगह पे पहुंच के अगली वीडियो दिखाएंगे। ये जगह है, यहाँ से लेना है टर्न गुज्जू पंपिंग स्टेशन के लिए। नेशनल हाईवे हमने छोड़ दिए। जा रहे हैं यहाँ पे, हमारा पड़ाव डलना है। सीधा हाथ पे जा सकते हैं? जी राइट, वैसे लेफ्ट ही जा सकते हैं लेकिन राइट से जाएं। मैं एकदम व्यू आईपी जगह है भाई, व्यू आईपी जगह होती है कि व्यू भी हो और वीआईपी भी हो ऐसा, और छांव भी मिल रही है। वाह वाह वाह। यासिर भाई अभी दिखा देंगे इक्विपमेंट के, मैग्नेट फिशिंग होती कैसे। यासिर भाई ने अपने किसी कजन से यूके से मैग्नेट फिशिंग का सामान मंगाया था, वो आ गया, और साथ साथ उन्होंने खलील भाई के लिए एक रिमोट वाली कार मंगाई थी, वो भी आ गई। खलील भाई
कार कैसी है रिमोट वाली? वो वहाँ पे बैठे हुए खलील भाई, ओ खलील भाई खड़े हुए और यासर भाई बैठे बैठे यासर भाई इक्विपमेंट दिखाए और ये सॉलिड किस्म की जो है ना रस्सी है, और फिर जो है ये मेन इसकी जो चीज ये है वो मैग्नेट, ये किंग कॉन्ग मैग्नेट्स हैं बड़े, इनके जो रिव्यूज मैंने पढ़े हैं बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं, ये बेसिक स्टार्टर किट है और इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 400 पाउंड की जो है इसकी वेट को ये कर सकती है। अच्छा, अब मैग्नेट फिशिंग है क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैग्नेट फिशिंग बेसिकली एक स्पोर्ट है, एक हॉबी है जो कि लोग जो है वो अपने टाइम पास के लिए ट्रेजर हंटिंग का करते हैं। अलील भाई क्या लगता है आपको, ये यासर भाई कुछ पकड़ पाएंगे? मुझे तो कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है, क्या कहते हैं? नहीं, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। यासर भाई कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं ले लिया जो आपने पैंट से बांधा? नहीं, हमने कोई इतना बड़ा हाथी नहीं निकाला है, नॉर्मल ही करेंगे। ज़्यादा दूर मत फेंक दीजिएगा, गारंटी नहीं है कंपनी की पैंट वाली। हमारी पहली फिश आ गई। पुराने जो है ये कील लगे, ये आप जमा करते जाएं, लग रहा है हमें सामान कुछ ना कुछ लग रहा है, लोहा लग रहा है। और उसके बाद जाना ये बाइक के आगे छोड़ दूं क्या? ये कबाड़ वाले को बेचेंगे अब, लग रहा है भाई माल है नीचे, माल है यार। बहुत दूर गाड़ी चला के आया खलील भाई, ये कीले निकलेंगे इसके लिए। हाँ भाई रमेश भाई जी, रमेश साहब क्या लगता है आपको, क्या आ रहा है इस दफा हैं? ये क्या अबे लोहे की घास आ गई, कैसा महसूस कर रहे हैं यासिर साहब? आवाज आ रही है यासिर भाई, चलो कील निकल आए यार, सारी आज कीले निकाल देंगे हम, ये जो पंचर वालों ने डाली है ना। चलो नहीं ऐसा नहीं। यासिर भाई आपने घबराना नहीं है, सही है। यासिर भाई खुदा ना खास्ता मैग्नेट तो जाली नहीं है, चाइना वाला। आप लोग को लग रहा है मैग्नेट जाली है, हाँ ये देखें ओ तेरी, ओए नहीं नहीं उखाड़ मत दीजिएगा, नहीं 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 निकालना मुसीबत है। अच्छा यार, यासिर भाई कह रहे हैं स्पॉट बदल के देखते हैं, शायद किस्मत बदल जाए, हालांकि मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा हमसे, हमसे नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है यासिर भाई। यार किस्मत की बात है, अब देखो ट्रेजर हंटिंग है, ट्रेजर हंटिंग में तो ऊंच नीच चलती रहती है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो नीच नीच लग रही है, नीच नीच। यासिर भाई हार नहीं मान रहे, यासिर भाई यू कैन डू इट। नो लक लग रहा है, गुज्जो बहुत साफ सुथरा है, कराची जाना पड़ेगा कचरा। ये तफरी तो बहुत हो गई, अब अफतारी का इंतजाम करते हैं, कुछ बनाते हैं, सेटअप लगाते हैं। पानी की पुड़पुड़ाहट सुने, प्रेशर है बहुत यार। यासिर भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं। मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आप इस पॉइंट को निकाल के लाए हमारे लिए। क्या बात है, कोई बात नहीं है। और आपने कहा कि रमजान में भी हो जाएगी इस तरह की वीडियो, तो आपका शुक्रिया। असली में भाई पानी में तो हमें कुछ नहीं लगा, रमेश भाई ने लोहे के ऊपर ये ड्रॉप कर दिया और अब ये मैग्नेट को निकाल ले। यहाँ सीधा गिरते और कराची में निकलते आप, टाइम कितना कम है, ये हो रहे हैं 6:35, सूरज ये रहा बगल में हमारे भाई, पता लग जाएगा ये सूरज डूबेगा तो खा लेंगे कुछ भी। यार भाई जंबील निकालो जल्दी से, अफतारी लगाओ रखे, आहा जल्दी काटो ये जंबील में से निकालो, ये हमारा जंबील पिकनिक। भाई अनपैक करने जा रहा हूँ, देख ले जंबील पिकनिक बैग। गरम है? हाँ हाँ मुनासिब गरम है। अरे वाह, ये आपकी दस्तरखाना, दस्तरखाना निकला भाई। तुम फ्रूट काटो, इसमें प्लेट्स है एंड में, हाँ ये उड़ना है, जल्दी करो अभी करते हैं ना यार, कर रहे हैं यार। ये इससे तेजी से कभी काम ही नहीं हुआ यासिर भाई, इसको जैसे ही आप कह देना तेजी से काम, इसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, हाथ स्लो हो जाते हैं। ठंडा पानी ये चेक करो, फिर नहीं बोलना कि यार ठंडा नहीं था, ये देखो चेक कर ले यार आप, फिर नहीं बोलिए। इसकी जो इंसुलेशन है ना, पानी ठंडा यार, ये देखो झूठ नहीं बोल रहा, ये चेक करो यार, है कि नहीं? हाँ भाई गुज्जू के पकौड़े पसंद आए आप लोगों को? भाई अब यहाँ से जा रहे हैं, अफतारी ख़त्म हो जाए ना तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं,
चाय पियेंगे जाके कैफ़े इमरान पे, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ भाई कि इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आए तो इसको अपने किसी दुश्मन को भेजना और कहना लाइक तो कर देना। बाय बाय। यार ये जो आप कथक डांस कर रहे हैं कैलिब्रेशन के चक्कर में